नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिश्तों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग तीसरा, जिसमें हम इम्पोर्टेंट प्रश्न सॉल्व करेंगे जो कि आपके सभी आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बनाकर स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि ए बी का भाई हो, ठीक है, ए बी का भाई हो, सी ए की मौसी हो, डी सी का पिता हो, बी डी की नातिन हो, तो आपको बताना है कि बी एफ से क्या रिश्ता होगा जो कि ए का पुत्र है। ऑप्शन बुआ, चचेरी बहन, भतीजी और दादी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। उससे पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर किसको लेंगे, सबसे पहले हम ए और बी। ए और बी क्या हैं, यह आपस में भाई हैं, ठीक है। ए किसका, ए जो है वह बी का भाई है। बी का भाई है मतलब ए कौन है, ए एक पुरुष है। अब सी ए की मौसी है, सी किसकी, ए की मौसी है, तो ए के ऊपर कौन आएगा, सी। अब है या नेक्स्ट डी सी का पिता है, तो सी के ऊपर कौन पहुंचेगा, डी पहुंचेगा। अब देखिए जो बी है भाई डी की नातिन है, तो देखिए बी भी कंफर्म हो गई कि यह क्या है, ये की है महिला है, तो यह क्या है आपस में, यह है नातिन है किसकी, डी की। तो देखिए ए हो गया पुरुष, बी हो गई महिला, तो यह दोनों में क्या हो गए, यह दोनों में आपस में भाई और बहन हो गए। अब ए का जो पुत्र है वह क्या है, एफ है। अब आपको प्रश्न ने पूछा है कि बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, तो देखिए बी ए और बी आपस में हैं भाई और बहन, तो ए का पुत्र है एफ, तो जो ए है वह ए की बहन कौन है, बी। अब पिता की जो बहन होती है वह कहलाती है बुआ, वह क्या कहलाती है, बुआ कहलाती है। तो ऑप्शन अपना ए यहाँ पर दिया हुआ है कि बी का एफ से क्या संबंध है, तो वह रिश्ता होगा बुआ का रिश्ता होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर यहाँ पर 22 है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको देना है। जानकारी यहाँ पर दी है कि 6 व्यक्ति हैं जो कि ए बी सी डी ई और एफ हैं, एक परिवार है। अब उनमें दो विवाहित दंपत्ति यानी दो विवाहित जोड़े हैं, डी बी का पोता है, सी ए की माता है जो ई का पिता है, और ई का डी से क्या संबंध है आपको बताना है, बहन भाई, भाई या बहन या चचेरा भाई। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, प्रश्न नंबर 3 में डी किसका, बी का पोता है, डी किसका, बी का पोता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे किसको, बी को, तो बी का एक पुत्र होगा, अभी अभी पता नहीं है, लेकिन पोता का पता है, तो पोता कौन है, तो पोता है डी, ठीक है। पिता को इसके बीच में आपको एक जगह बच रही है, तो इसको आपको पता लगाना है कि कौन सा व्यक्ति यहाँ पर बैठेगा। दूसरा क्या लाइन दी है, सी ए की माता है, सी जो है वह किसकी माता है, वह ए की माता है, ए की माता कौन है, सी, ठीक है, माता, और ई का पिता है, तो ई आ जाएगा यहाँ पर नीचे, ई का पिता कौन है, ए, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एक पुरुष, लेकिन ई जो है यह कंफर्म नहीं है कि पुरुष है या फिर महिला है। और यहाँ पर जो डी दिया हुआ है यह कंफर्म है कि यह क्या है, यह एक पुरुष है यहाँ पर। अब देखिए आपको 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ, तो यहाँ पर 5 व्यक्ति कंफर्म हो गए और यहाँ पर केवल एक व्यक्ति बचा, कौन, वो है एफ। तो अब आपको देखना है डी और ई का यहाँ पर आपको रिश्ता बताना है कि कौन सा रिश्ता रहेगा। तो यह देखिए दोनों में आपस में क्या हैं, दोनों यह आपस में एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार के यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो ई जो है या तो भाई लगेगा या बहन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर
कंफर्म नहीं है इसका जेंडर कि महिला है या पुरुष, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन सी, भाई या बहन, भाई या बहन यहाँ पर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी दिया है वह यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा कि जो ई का डी से संबंध होगा या तो भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है यहाँ पर कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, सी और ई के बीच में क्या संबंध है, सी और ई के बीच में आपको बताना है कि क्या संबंध है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर किसको रखेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे बी के लिए यहाँ पर रखेंगे, और ए बी का पिता है, ए जो है वह किसका पिता है, बी का पिता है, तो ए पहुँच जाएगा बी के ऊपर क्योंकि यह कौन है, पिता है, तो यह कौन है, यह है एक पुरुष। अब यहाँ पर देखिए, सी बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री रहेगी तो वह बी के नीचे आएगी, यह क्या हो जाएगी, यह एक महिला हो जाएगी यानी पुत्री है। अब नेक्स्ट है डी बी का भाई है, ठीक है, डी बी का भाई है, तो यहाँ पर क्या है डी और यह क्या है भाई है, ठीक है, भाई है, तो यह भी क्या है एक पुरुष है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो ई है वह ए का पुत्र है, ई जो है वह ए का पुत्र है, तो मतलब बी का क्या होगा, भाई होगा, बी का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा यदि ए का पुत्र है तो। अब आपको देखिए संबंध किसके बीच में बताना है, ई और सी और ई के बीच में आपको यहाँ पर संबंध बताना है कि क्या यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर देखिए ई और जो ई जो है, ई और बी और डी यह तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है, तो यहाँ पर देखिए भाई और बहन तो यहाँ पर हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा, चचेरा भाई बहन भी यहाँ पर नहीं हो सकता और चाचा और चाची यहाँ पर नहीं हो सकती। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए या तो यह क्या हो जाएगी, यह पुरुष यदि रहेगा तो भाई की जो पुत्री है वह क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, और अपने ऑप्शन में यहाँ पर भतीजी और चाचा यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अनुसार यदि अपन सी ही इसका राइट आंसर यहाँ पर मानेंगे, ठीक है, लेकिन यह अभी कन्फर्म नहीं है कि बी महिला है या पुरुष है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अपन इसको पुरुष मानेंगे, और पुरुष यदि हम मानेंगे तो जो ई और सी का आपस में रिश्ते होंगे वह चाचा और भतीजी का आपस में संबंध बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। यह देखिए ये कौन से एसएससी एग्ज़ाम, ठीक है, एसएससी एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया था यह प्रश्न, ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार सी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, पी टी का पिता है, नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न कि पी जो है वह टी का पिता है, टी एम की पुत्री है, एम के की पुत्री है, पी का के से क्या संबंध है, पी का के से क्या संबंध है आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर पिता, ससुर, भाई और दामाद, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भी हम आसानी से सॉल्व करते हैं। वीडियो देखिए आपको कैसी लगी, आप कमेंट जरूर करना, एक छोटा सा या प्यारा सा कमेंट हमें करके ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, और जो भी डाउट हो आपको कोई भी प्रश्न में तो वो भी आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको लेंगे किसको, यहाँ पर एम को ही यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, एम को यहाँ पर लेंगे, तो एम जो है, एम टी जो है वह एम की पुत्री है, टी किसकी, एम की पुत्री है, तो यह टी एम के नीचे जाएगी, कौन, टी, तो यह क्या है, यह है पुत्री, ठीक है। अब एम के की पुत्री है, एम किसकी, के की पुत्री है, तो के भी कहाँ जाएगा, के ऊपर जाएगा, और जो यहाँ पर है यह हो जाएगी कौन, पुत्री, तो यहाँ पर देखिए यह भी महिला हो गई और जो टी है ये भी महिला है, यह कन्फर्म यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो पी है वह टी का पिता है, सॉरी पी किसका, टी का पिता है, पी किसका पिता है, टी का पिता है, पी टी का पिता है, तो यहाँ पर देखिए टी का पिता है, तो यह हो जाएगी, यह पुत्री किसकी है, एम की, तो एम की जस्ट सामने कौन हो जाएगा, पी यहाँ पर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यह यदि
एम की पुत्री कौन है, टी है, और टी का पिता कौन है, पी है, तो यह एम और पी आपस में क्या हो जाएंगे, पति और पत्नी हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, पति और पत्नी यहाँ पर हो जाएंगे। अब आपको बताना है कि पी का के से क्या संबंध है, एम के की पुत्री है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए पुत्री का जो पति होता है उसके लिए क्या कहा जाता है, पुत्री का जो पति होता है उसके लिए दामाद कहा जाता है, उसके लिए क्या कहते हैं, दामाद कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर अपना डी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह क्या है, वह दामाद लगेगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 25 है यहाँ पर। ए और बी बहने हैं, ए और बी आपस में बहने हैं, डी की माता ए है, बी की एक पुत्री है सी, बी की एक पुत्री है कौन, सी, जो एफ से विवाहित यानी कि एफ से शादी हुई है उसकी। अब ए का पति जी है, तो आपको बताना है कि जो सी है, सी का डी से क्या संबंध, सी का डी से क्या संबंध है, ऑप्शन है मौसेरी बहन, भांजी, मौसी या साली। तो इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान विधि से। वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पर मौसी बहन, भांजी, मौसी या फिर साली। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए उठा लेंगे किसको, ए और बी, यह दोनों आपस में क्या हैं, बहने हैं। तो देखिए ए और बी यह दोनों में कौन है, बहने हैं, तो यानी ये भी महिला हो गई और बी जो है ये भी क्या है, यह भी एक महिला है। अब डी की माता ए है, डी की माता ए है, तो डी जो है वह ए के नीचे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, डी जो है वह ए के नीचे आ जाएगा क्योंकि डी की माता कौन है, ए है। ठीक है, यह कौन हो, माता, ठीक है, या माँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि बी की पुत्री सी है, बी की पुत्री। अब देखिए बी की भी एक पुत्री है जिसका नाम क्या है, जो है सी, तो यह भी क्या है, एक महिला है। अब देखिए आपको क्या है, आगे क्या दिया है कि जो सी है जो एफ से विवाहित है, कौन, सी, तो यह देखिए आपस में जो सी और एफ हैं यह आपस में क्या हो जाएंगे, पति और पत्नी यह आपस में हो जाएंगे। अब आगे है ए का पति जी है, ए का पति कौन है, जी, तो ए का पति यहाँ पर सामने आ जाएगा और क्या है, जी यहाँ पर है। अब आपके और क्या है, तो सी का डी से क्या संबंध होगा, अब आपको सी और डी का यहाँ पर संबंध बताना है कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी की माता कौन है, ए की बहन कौन है, बी, और बी की पुत्री कौन है, सी। तो यहाँ पर देखिए मम्मी की बहन की जो पुत्री होती है उसको क्या कहते हैं, मौसेरी बहन कहते हैं। ठीक है, मम्मी की जो बहन होती है उसको क्या कहते हैं, मौसी कहते हैं, और मौसी की जो पुत्री होती है उसके लिए कहते हैं मौसेरी बहन, और पुत्र होता है तो मौसेरा भाई उसके लिए कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। वह संबंध क्या होगा, वह होगा मौसेरी बहन का संबंध यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।